हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी पौधे के कई धार्मिक महत्व है। तुलसी के पौधे को घर में रखना शुभ माना जाता है और तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक है? चलिए आज हम आपको बताते हैं तुलसी की पत्ती आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी फायदेमंद है। सर्दी के मौसम में ज्यादातर घरों में तुलसी का उपयोग कभी चाय में तो कभी काढ़े के रूप में किया जाता है। सर्दी में तुलसी का सही विधि से उपयोग किया जाए तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून निवासी आयुर्वेद डॉक्टर प्रेरणा लोकल 18 से बातचीत में कहती है कि तुलसी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, जिंक प्रॉपर्टी होती है जो आपको अलग अलग स्वास्थ्य लाभ पहुंचाती है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मददगार है। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मैं देहरादून में अपना क्लिनिक करती हूँ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तुलसी हर घर पे होती है मोस्टली, और उससे वातावरण के साथ साथ उसके आपके साथ पास का एरिया वो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो आपके इन्वायरमेंट में कीटाणु है उनको भी मारने का बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो एक तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है कि ये हमारे घर पे है तो हमें आसानी से मिल जाती है। दूसरा ये है कि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर आपको आयरन मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, आपको जिंक मिल जाता है, ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा है हाल फिलहाल में कि कोरोना का काल चल रहा था तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें आपका इम्यूनिटी बढ़ाने में इसकी बहुत ज़्यादा मदद देता है ये हमें, कि जैसे छोटे बच्चे हैं या नॉर्मली भी जैसे सर्दी जुकाम आजकल के मौसम में ज़्यादातर लोगों को लगा रहता है, खांसी होती है, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, उसमें भी इसके रस का अगर हम उपयोग किया जाए, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको इसका रस निकाल के निचोड़ के कुछ पत्तियों का वो हम शहद के साथ मिला के दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे बड़े लोग हैं तो वो इसका काढ़ा बना के चाय में डाल के इसका सेवन करें तो उनको बहुत उपयोगी होता है। इसी तरीके से हम लोग अगर देखें कि अगर किसी को जैसे कि साइनस का प्रॉब्लम है, नाक बंद रहती है और उनको राइनाइटिस है, बार बार छींकें आती है, तो इसकी कुछ ड्रॉप निकाल के डायरेक्ट नाक में डालें, या थोड़ा सा अगर वो तेज लगती है तो उसे डाइल्यूट करके उसमें दो चार बूंद पानी की मिला के नाक में डालें तो जो नाक में बलगम जमा रहता है उसको ये निकालने में बहुत कुछ हेल्पफुल रहती है। तुलसी का उपयोग पहले से ही बहुत बार किया गया है। अब जैसे जैसे कहीं पे किसी को जैसे कहते हैं कि बर्निंग सेंसेशन है बॉडी में, उसमें भी हम तुलसी का उपयोग किया जाता है। और आपका इसके अलावा हो गया जैसे किसी को तनाव रहता है तो वो उसकी डेली रूटीन में इसका काढ़ा पिए या अपनी चाय में या किसी भी तरीके से इसका सेवन करें तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा आपका जैसे कि किसी को टीबी का प्रॉब्लम है, निमोनिया हो जाता है बच्चों को, तो उसमें भी ये हम डेली यूज़ में ला सकते हैं।